الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيرا وقال تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة فأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا و سزا کا دن قیامت والا دن رکھا جس میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا جس نے جو کیا وہ پائے گا اچھا تو اچھا برا تو برا نیک لوگوں کو اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور برائیاں کرنے والوں کو گنہگاروں کو دوزخ کی آگ میں داخل کیا جائے گا یہ اللہ کا عدل ہے اللہ سچا اور عدل کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے
सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। सलातु सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते ग्रामी पर, जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचाया। क़यामत की हालतों को उस वक्त के बारे में बहुत सारी खबरें बयान फरमाई जिन पर हमारा ईमान और यकीन है, और आपने आखिरत के दिन के लिए तैयारी करने की तरफ अपनी उम्मत की तरगीब दिलाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद 12 रजब 1442 हिजरी मुताबिक 24 फरवरी 2021 ईस्वी जद्दा से आपकी खिदमत में मुख्तलिफ वसाइल पर यह प्रोग्राम पेश है। यह सिलसिला जो एक सफर का सिलसिला है, मौत से जन्नत तक का सफर, और इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं हिसाब तक। पिछले दर्स में, उससे पहले वाले भी दर्स में हमने हिसाब और उसकी किस्में और किसका कैसे हिसाब लिया जाएगा इसके मुतालिक जो नुसूस में हमें बयान किया गया है, यानी आयत और हदीस में, वो हमने पढ़ा। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज आमाल नामे दिए जाएंगे, उड़कर आएंगे, हाथों में दिए जाएंगे, उस वक्त की क्या कैफियत होगी, और इंसान अपने आमाल जो दुनिया में उसने किया है उसको बाकायदा आंख से देखेगा, उसको दिखाया जाएगा, फिर इंसान को पूरा बदला दिया जाएगा। इस सिलसिले में सही मुस्लिम की एक हदीस से मैं शुरू करता हूं, जो एक हदीस बाकी रह गई थी पिछले दर्श में। मजालिम जो होते हैं दुनिया में, मजालिम समझते हैं आप, जुल्म, शौहर बीवी पर जुल्म करता है, बीवी शौहर पर जुल्म करती है, कवी ताकतवर ज़ईफ कमजोर पर जुल्म करता है, रिश्तेदारों में भी आपस में जुल्म होते हैं, माँ बाप अपनी औलाद पर भी जुल्म कर सकते हैं, करते हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप पर जुल्म करते हैं, रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर, जानवरों पर। जुल्म की शक्लें हैं बहुत सारी, आपको पता है जुल्म, उसको मदालिम कहते हैं। तो ये जुल्म जो दुनिया में होता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका भी बदला होगा। और उस सिलसिले में एक हदीस जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हिसाब किताब पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हिसाब, नामे आमाल और आखिरत की खबरें हैं, ये सब तो ज़रूरी है कि इस हदीस को बताया जाए ताकि हम होशियार रहें और अपने हाथों को, अपनी ज़बान को, अपने आज़ा को जुल्म से बचाएं, किसी पर जुल्म न करें। सख्त वईदें आई हैं, जुल्म हराम है इस्लाम में, और अदल का हुक्म दिया गया, इन्नल्लाह यअमुरु बिलअदल वल एहसान, खुतबे में आप बारहा सुनते हैं खतीबों से, अल्लाह का हुक्म यह है कि अदल करो, और अदल यह है कि हर एक उसका हक, हर साहिब हक को उसका हक दो, ये अदल है। अगर आप साहिब हक को उसका हक नहीं देंगे तो ये जुल्म है, और जुल्म से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क़यामत के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब्दुल्म ज़ुलुमात यौमल क़यामा, ज़ुल्म अंधेरे होंगे क़यामत के दिन, और ज़ालिमों की बड़ी सख्त पकड़ होगी। इसका अंदाज़ा एक हदीस मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, जो मुफलिस वाली रिवायत है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से सवाल किया, आपकी आदत मुबारक होती थी कि आप समझाने के लिए सवाल करते, जैसे आपने इस हदीस में सवाल किया तदरून अमल मुफलिस, तुम्हें पता है साथियों के मुफलिस कौन है। और भी हदीसों में हमें, जैसे कल एक जगह हमारा दर्स था तो वहां वो हदीस आई थी उनसी के मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे बिठाए थे सवारी पर, जानवर पर, और आपने फरमाया था या मुआज़ अतदरी मा हक़ुल्लाहि अलल इबाद, ये सवाल था, वा मा हक़ुल इबादी अला अल्लाह, ए मुआज़ क्या आपको पता है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह ने अपने ऊपर क्या रखा है। इसी तरीके से गीबत क्या है, तुम्हें पता है गीबत किसको कहते हैं। तो ऐसे सवालात करते थे प्यारे वसल्लम ताकि तवज्जो ज्यादा हो हाज़रीन और सामईन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी सवाल किया अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन है। मुफलिस जिसको हम उर्दू में कंगाल, फकीर, मुफलिस आदमी बोलते हैं ना, फिल्स फलूस जो बोलते हैं पैसा, मुफलिस जिसके पास फिल्स ना हो यानी पैसे ना हो, फकीर आदमी।
अरबी में उसको कहते हैं मुफलिस। देखिए साहबा ने भी वही जवाब दिया, फरमाया कालू अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहू वला मता। या रसूल अल्लाह आप हमसे पूछ रहे हैं कि मुफलिस कौन है, तो हम मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास कोई दिरहम ना हो, सामान ना हो, कुछ भी नहीं है, फकीर आदमी है, पैसा भी नहीं है, सामान भी नहीं है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असली मुफलिस, या ये कहें कि कयामत के दिन का मुफलिस, ठीक है दुनिया में इसको मुफलिस तसव्वुर किया जाता है, सही है, कयामत के दिन कौन होगा मुफलिस? अल्लाह मुझे और आपको इस इफलास से बचाए, आमीन, और ऐसी मुफलिसी से बचाए, हम ऐसे मुफलिस न बने, मुफलिसी से अल्लाह बचाए। क्या फरमाया सुनिए नबी अलैहिस्सलाम सलाम, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल कियामा बिसलातिन व सियाम व ज़कात। यकीनन मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा जो कयामत के दिन अपनी नमाज, अपना रोजा, अपनी ज़कात लेकर आएगा। याती वयाती वयाती कद शतम हादा व कद फहादा व अकल माल हादा व सफक दम हादा व बरब हादा। लेकिन उसने कुछ और काम किए थे, क्या किए थे? किसी को गाली दी, किसी पर इल्जाम लगाया, किसी का माल खाया, किसी का खून बहाया, किसी को पीटा मारा, पांच। वयुता हादा मिन हसनातिही वहादा मिन हसनातिही फइन फनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़्ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन सय्यिआति व उख़िज़ मिन ख़ताया उख़िज़ मिन ख़ताया व तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़ी। फिर क्या होगा? इसको इसकी नेकियां दी जाएंगी, उसको भी इसकी नेकियां दी जाएंगी। फिर अगर फैसला होने से पहले, मामला क्लियर होने से पहले अगर उसकी नेकियां खत्म हो जाएं, तो उन लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और इसको दोजख की आग में फेंक दिया जाएगा। इस हदीस के मामले में रिवायत है, समझ में ही हदीस नहीं समझ में ही होगी, मैं बता किसकी नेकियां किसको देंगे, किसके गुनाह किस पर सर पर डालेंगे, यह सब समझना है। देखिए इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया, कयामत के दिन उम्मत, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा जो अपनी नमाज, रोजा और क्या इस हदीस में ज़कात लेकर आए। ये इबादत है, फर्ज चीज है, नमाजी था, नमाज अल्लाह का हक है, अदा करता था, रोजे रखता था, अल्लाह का हक है, अदा करता था, ज़कात देता था, मिस्कीनों का हक है, देता था, और अल्लाह ने फर्ज किया ज़कात को, ज़कात निकालता था, यानी इबादत, इबादत गुजार था, आबिद इबादत गुजार, हुकूकुल्लाह में कमी नहीं हुई, लेकिन मामला मामला मामलादारी बोलते हैं ना जिसको, या हुकूकुल इबाद, क्योंकि बंदा जिंदगी दुनिया में गुजारता है तो उसके सामने दो चीजें हैं, पैदा करने को वालों, पैदा करने वाले का हक और मखलूक का हक, उधर भी कमी नहीं, इधर भी कमी, उधर शिर्क जहन्नम सीधा, शिर्क नहीं कमी हुई अल्लाह की, अल्लाह के हवाले है मामला उसका, इधर कमी हुई इनके हवाले है मामला, या तो ये माफ कर दें, ठीक है तनाजुल करें, माफ कर दें, ठीक है नहीं माफ करें तो पकड़ा जाएगा। तो इस हदीस में नबी फरमाया वो अपनी इबादत है, बाज रिवायतें दूसरी रिवायतें हैं, मेरा वक्त नहीं है कि मैं तुमसे, कि वो पहाड़ों के मानिंद अपनी नेकियां लाएगा, बड़े बड़े तिहाम तिहामा पहाड़ जो है ना उस तरफ, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के मानिंद अपनी नेकियां लेकर आएगा। अच्छा इस हदीस में क्या है, पांच हकूक इबाद में पांच गड़बड़, देखिए क्या है, किसी को गाली दी, गाली गालियां देते हैं ना लोग, बालों की आदत है, बड़े भी छोटे भी सब गाली देते हैं, नौस बिल्लाह मिन दालिक, ठीक है गाली दी और इल्जाम लगाया, तोहमत इल्जाम, मालूम है आपको गुनाह, किसी की इज्जत का मामला है, गाली भी इज्जत, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, गाली दे रहे आप उसको, सामने दे रहे हैं पीछे दे रहे, इल्जाम लगाया दूसरा, ठीक है माल खाया किसी का, अल्लाह कितने हैं इस फील्ड में लोग, मजदूर से काम लिया माल ले दिया, माल लिया खा गया, जमीन खा गई, जायदाद खा गए, बहन को महरूम कर दिया, भाई को महरूम कर दिया, अम्मा को महरूम कर दिया, चलिए और सफा का दमा हादा, किसी का खून बहाया, अब खून में कई है जैसे नाक से खून, हाथ से खून, गर्दन काटी, सफ का दिमाग, यानी ठीक है सफ के दिमाग
मर्डर किया था, लेकिन उसके अलावा भी इसमें शामिल और दरबहादा मारा खाली किसी को, कतल नहीं, कतल नहीं, मारना, खाली मारना होता नहीं, लड़ाई मारना, भूसा मारना, लात से मारना, हाथ से मारना, सर से मारना, लड़ाई होती ना, मारा तो क्या होगा इसके साथ, सुनिए, फयुता हादा मिन हसनात। अब वो मजलूमीन है, वो जिसको मारा, जिसको गाली दी, जिसका माल खाया, जिसका खून बहाया है ना, और जिस पर इल्जाम लगाया, इनको इसकी नेकियां दी जाएंगी। किसकी? जालिम की, जिसने पीटा, जिसने मारा, जिसने इल्जाम लगाया, जालिम ही है, इस जालिम की नेकियां दी जाएंगी। ये भाई, ये इसकी नमाजें ले लो, इसके रोजे ले लो, नेकियां जो उसने की है इबादत, वो दे दी जाएंगी। अब मामला खत्म या नहीं? बहुत लोगों को मारा था, बहुत औरतों पर इल्जाम लगाया था, बहुत मर्दों पर इल्जाम लगाया था, बहुत जमीनें हड़प की थी, बहुत प्रॉपर्टियों को उसने खा गया था, बहुत मामले उसके बहुत है। तो अभी नेकियां इसके पास नहीं है उतनी, मिसाल के तौर पर 100 मदालिम है उसके और 50 नेकियां, मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए। अब 50 नेकियां तो गई, तो 50 और बाकी है ना, क्या करना है उसका, मामला तो क्लियर नहीं होगा। उनके गुना किसके? मजलूमीन के, इसके सर पर डाल के इसको जानने में फेंक दिया। नेकियां ले गए ना वो सब, आपकी नमाज वो ले गए, भाई मेरी नमाज आप कैसे लेके जाएंगे, मेरा रोजा आप लेके जाएंगे, अगर हुकूकुल इबाद में गड़बड़ हो। कितना खतरनाक मसला है, देखिए, मेरी इबादत आप लेके जाएंगे, ये सही मुस्लिम की गुरु। अब जब नेकियां इंसान की खत्म हो जाएंगी तो क्या बचेगा? कुछ नहीं है। अच्छा, सामने वालों के गुना, भाई नेकियां तो जन्नत में जाएंगी ना लेके, इंसान को जो जन्नत तक का सफर है, तो नेकियों को बचा के रखना है ना महफूज। अगर नेकियों को नहीं बचा के रखे, जाया कर दिया, तब चले गए वहां हाथ खाली चले गए। उनके गुना इसके सर पर डाल के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक और एक हदीस है जिससे मालूम होता है कि जानवरों के दरमियान भी जो है इंसाफ होगा, हिसाब होगा। जैसा कि बकरी के बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा की हदीस है कि नबी सल्लम ने बयान फरमाया, हुकूक अदा कर दो, जिसका जो हक है वो दे दो, कयामत के दिन से पहले हुकूक अदा कर दो, वरना क्या होगा, हुकूक दिए जाएंगे, हत्ता के सींग वाली बकरी को लाया जाएगा जिसने बिना सींग वाली बकरी को मारा था, दोनों को लाकर उनके दरमियान भी फैसला किया जाएगा। तो यह हदीस डराती है हमें, और अबू हुरैरा की एक और एक रिवायत है जिसमें नबी सल्लम ने बयान फरमाया, उसमें और वाजी रिवायत है जो बुखारी की हदीस से देखिए, मन कानत लहू, इस पर अमल करना है। अभी हमने थोड़ी देर, अभी मैंने मुफलिस वाली हदीस सुनाई ना, उससे डर पैदा हो गया, अभी कितने मसले होंगे, क्या क्या किया होगा, अब क्या करना है, सुनिए नबी रसूल की हदीस पर अमल कीजिए। क्या है? मन कानत लहू मज़लमतुन लि अहदिन मिन अर्दिही औ शैइन फलयतहल्लल मिन्हु अल्यौम। नबी रसूल फरमाते हैं, मिन्हु अल्यौम قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه اخرجه البخاري। امام بخاري رحمه الله کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا, اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ ہے, عزت کا یا کسی چیز کا, کسی نے کسی کو ذلیل کیا تھا, بے عزت کیا تھا, یا کچھ معاملہ ہے, لیا گالی دی, مارا پیٹا, जमीन छीनी वगैरह, एग्जाम लगाया वगैरह, तो कयामत से पहले ही उसको सफाई, क्या बोलते उसको इंग्लिश में, कॉम्प्रोमाइज, सुलह सफाई कर लो, मामला क्लियर कर लो, कयामत का दिन आने से पहले, उस दिन से पहले जिस दिन आपका दीनार आपका दिरहम किसी काम का नहीं होगा, नेक अमल आपका होगा, तो आपका नेक अमल उसके आपके जितना आपने लोगों पर जुल्म किया, वही रिवायत की वजाहत यहां पर, वो दे दिया जाएगा। अगर नेकियां बाकी नहीं रह जाएं तो उन लोगों के गुना आप पर, आपके सर पर लाद दिए जाएंगे। इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया है। अल्लाह एक और एक हदीस बताकर बात को आगे बढ़ाओ। अबू सलेम भी बुखारी की रिवायत है। ये सब हदीसें मैं क्यों बताऊं? ताकि हमें एहसास हो कि ये दिन हमारे सामने आने वाला है, तो हम मजालिम लेकर ना जाए, अपने आप को क्लियर करके जाए। और अचानक हमें ये नहीं पता ना, तो फिर हमेशा रेडी रहना, जैसे हर चीज क्लियर करते हैं लोग दुनियादारी में, दुनिया की चीजों में, भाई किराया बाकी नहीं रहना, क्लियर, भाई किराया दे दिया मैं आपका, किराया करंट बिल मैं पे कर दिया, ये मैं पे कर दिया, वैसे ये मामले भी क्लियर कर लेना। क्या लेके जाएंगे बताइए? हमारी नेकियां वो लेके जाएंगे, मजलूम लोग। लिहाजा किसी पर जुल्म नहीं करना। मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है।
لہٰذا ہم اپنے معاملات کو کلیئر کریں. ایک اور ایک حدیث دیکھیے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا هذه اذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لاحدهم بمسكنه في الجنة ادل بمنزله كان في الدنيا اخرجه الامام البخاري. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بعد کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب مومنوں کا حساب کتاب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, مومنوں کا آسان حساب جو لیا جائے گا جو بھی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, جب حساب ہو جائے گا نا, تو پل سے پار ہونے کے بعد کیا کہ ایک اور ایک پل ہوگا, کنترا ایک کبری بولے آپ, جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی, وہاں روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے. یہ آگے بھی بتائیں گے ان شاء اللہ, بات آگے مظالم کی, تو اس لیے یہ حدیث آ رہی ہے, بعد میں بھی آئے گی حدیث ان شاء اللہ, تو ابھی یاد رکھیں, بعد بھی یاد رکھیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو مظالم جو آپس میں ہیں اس کے صلح صفائی ہوگی وہاں, یہاں تک کہ سب سارے معاملات کلیئر ہو گئے, ہاں بھائی انہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا, کیا ہے, کیا معاملہ ہے آپ لوگوں کا دونوں کا, ہاں آپ عورتوں کا دونوں کا کیا مسئلہ ہے, دیورانی جھٹانی کا کیا مسئلہ ہے, ساز ہو کا کیا مسئلہ ہے, ہاں بھائی بھائی کے کیا مسئلے ہیں, پڑوسی پڑوسی کولک کولک کیا ہے, آفس میں مدیر اور عام آدمی کیا معاملے ہیں تم لوگوں کے, سب کلیئر کیے جائیں, اس کے بعد ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اللہ کی قسم کھائی, جنت میں تمہارا گھر تمہیں ایسے پتا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا تمہیں دنیا میں اپنا گھر معلوم. مومن کو اس کا گھر معلوم ہے, خان صاحب کو معلوم ہے گاڑی پلٹا کے سیدھے گھر کو آ جاتے ہیں, مجھے بھی معلوم ہے میرا گھر کہاں ہے, ضروری نہیں کہ میں ڈھونڈوں میں کوسی روڈ پر جا رہا ہوں, ہر ایک کو اپنا گھر اچھی طریقے سے یاد رہتا ہے دنیا میں یہاں پر, ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ اچھا ہمارا گھر ہمیں معلوم ہوگا, سیدھے اپنے گھر میں جنت میں انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, اگر معاملات سب کلیئر ہو گئے تو, ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد نامہ کتابیں, ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال دیا جائے گا ہر ایک کو اس کا کتاب, اس کی کتاب جس کا رجسٹر اس کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, سورہ اسراء کی آیت ہے, بہت زبردست آیت ہے, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں ہر انسان کے نام اعمال کو ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا ہے, دنیا میں ہر ایک کے نام اعمال, ٹھیک ہے, اور قیامت کا دن جب ہوگا اس کو کتاب کی شکل میں اس کے سامنے اس کے رجسٹر نام اس کے اعمال نامے پھیلا دیے جائے, اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک, پڑھ لے اپنا نام اعمال, اپنی بک خود پڑھ لے, اپنا رجسٹر خود دیکھ لے, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نام اعمال نوٹ ہو رہے ہیں, آپ کو یہ تو معلوم ہے, دائیں بائیں فرشتے بھی ہیں, سورہ قاف کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا دائیں بائیں فرشتے مقرر ہیں, سب لکھ رہے ہیں اور بک تیار ہو رہی ہے سب کی, بک بک بولیے, فائل بولیے, رجسٹر بولیے, نوٹس, کیا کیا کیے, کب کب کیے, کہاں کہاں کیے, کس کے ساتھ, ایوری تھنگ نوٹڈ. تو قیامت کے دن پھر اس کو دیا جائے گا. اب نیکیاں برائیاں, رائٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں نوٹ کرتا ہے. اچھا ایک منٹ اس سے وہ ایک بار بار بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں فائدے کی بات میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مظالم کی جو بات کی, اب کیا کرنا اس کا مسئلہ سنیے. اگر آپ نے کسی کو گالی دی دنیا میں, یاد ہے آپ کو میں نے فلاں کو گالی دی تھی, جا کے معافی مانگ لینا, بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام, نہیں نہیں ملا رہے, گالی دیے تھے, ملو بھائی اللہ کے واسطے ملو بھائی, کسی نہ کسی راستے سے اس تک پہنچی جس کو آپ نے گالی دی, اس سے معافی مانگی, بھائی میں نے آپ کو گالی دی تھی, بولا آپ مجھے معاف کر, آپ معافی مانگیے, یہ ہے کلیئر کرنا, ورنہ وہ قیامت کے دن پکڑے گا, کیا کریں گے آپ. چلو بس یہ تو ٹھیک ہے, گالی کسی کو آپ نے ذلیل کیا محفل میں, اسی محفل میں اس کو عزت دینا, تین لوگوں کے سامنے آپ نے کسی کو ذلیل کیا تھا, انہیں تین لوگوں کے سامنے اس کو عزت دیں, اس سے معافی مانگیں, میں نے آپ کو ذلیل کیا تھا, میں نے آپ کو برا بھلا کیا تھا, مجھے معاف کر دیجیے, اور وہ تین لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے اگر ایک ساتھ ہو ٹھوک لے ٹھیک ہے, یا الگ الگ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کو بتائیے کہ میں نے ان کے بارے میں یہ برا تھا, وہ بہت اچھے, میں نے ان سے سچن سے معافی, میں غلط تھا, میں نے غلطی کی, مجھ سے وہ شیطان آ گیا تھا وغیرہ, جو بھی الفاظ آپ کو بولے آپ معافی مانگیں, ٹھیک ہے, الزام لگایا تھا ان سے بھی معافی مانگ لیجیے, ٹھیک ہے, پیسے لیے تھے واپس لے کے پیسے دے دیجیے, اچھا نہیں پتا کہاں ہے آدمی چلا گیا, مر گیا آدمی جس کے پیسے ہم لے گئے, جس کی جائیداد, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پیسوں کا, جائے چلو پیسے 100, 200, 1,00,000, 2,00,000 روپے تو چلتا, لیکن یہ جائیداد جو سالوں سے کھا رہے ہیں لوگ,
ये बड़ा मसला है, तो आपको हिसाब करना पड़ेगा कब से खा रहे हैं आप किस लोगों का माल, वो पूरा वापस करना पड़ेगा। अरे वापस करेंगे तो हम पैदल हो जाएंगे, पैदल होना अच्छा है जहन्नम में जाने से, रोड पे आना अच्छा है, रोड से फिर महल में जा सकते हैं बना के, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग से पूरी चीज अच्छी। अगर किसी को याद ना हो तो इस सिलसिले में उलमा कहते हैं याद करो, जितना हो सके आप अदा करो, उनसे पूछो भाई किसके कितने पैसे थे, मामलातदारी क्लियर कीजिए। एक चीज, या तो माफी मांग लीजिए वो माफ कर दें आपको, नहीं माफ करे तो उनका पैसा उनको लौटा दीजिए, मोहलत लीजिए, टाइम ले लीजिए, या वसीयत करके जाइए भाई मैं मर गए मैं मर जाऊं उसके बाद मेरे बच्चों आप मेरा ये कर्जा चुकता कर देना, अगर कर्ज वगैरह का मामला है। अगर जमीन जायदाद के मसले हैं, दुकान वकान के, तो ये बड़े मसले हैं, बड़े भी अल्लाह से डरने वाला सारी चीजें लौटा सकता है। सऊदी अरब का एक वाकया, एक आदमी को पता चला था उसके घर का सारा सामान, उसके सारा सामान कि हराम कमाई करे तो सारी चीजें उसके खत्म कर। तो इंसान अल्लाह से डरे तो सारे मामला ठीक हो सकते हैं आंख बंद होने से पहले। तो आपने अगर जायदाद जमीनें प्रॉपर्टी हड़पी वो सारी बहन क्या है, बहन को दे दीजिए, उलमा से पूछे किसका कितना है। अरे वो जमाने में आप 15 साल पहले लिए थे भाई, 15 साल ये दुकान पूरा नया उसका वो बनाइए, डॉक्यूमेंट्स बनाइए उनके नाम पे कर दीजिए जिसकी जमीन थी जो आप ले लिए। अगर दुकान किसी बहन की थी आपने नहीं दिया उस बहन को दुकान, आप वो दुकान उस बहन को दे दीजिए, करोड़ों का नुकसान होगा आपका, चलेगा, मंथली इनकम आपकी बंद हो जाएगी, चलेगी। कयामत के दिन जहन्नम की आग इससे ज्यादा खतरनाक है ये। अच्छा, अगर किसी को याद नहीं है या वो आदमी का पता नहीं है जिससे हमने पैसे लिए थे या कुछ मामला, तो उसके बारे में उलमा फतवा देते हैं कि आप जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कीजिए पैसा जितना, जैसे मिसाल के तौर पर आपने किसी को 15 लाख दे देते, 15 लाख आप खर्च कीजिए, वो आदमी का पता नहीं, कोशिश कीजिए पता करने की, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, ना उसका ना उसके बारे में इनका, तो आप खर्च करके ये नियत कीजिए कि इसका सवाब अल्लाह ताला उसको दे जो जिसके पैसे हमने लिए थे। तो इस तरीके से मामला जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए, नामे आमाल जो है या तो दाहिने हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे, और इंसान नामे आमाल देखेगा और नामे आमाल उड़कर आएंगे। ये तमाम बातें कुरान हदीस से साबित है, ततायुर सुहफ उड़कर आएंगे, हदीसों से साबित, उड़कर आएंगे, उड़कर दाहिने हाथ में आएंगे, तो इसका मतलब ये जन्नती आदमी अस्हाबुल यमीन कुरान में बयान किया, या तो बाएं, दो शक्लें, दाहिने हाथ में यानी इज्जत तकरीम के साथ दिए जाएंगे नामे आमाल, बाएं हाथ में दिए जाएंगे या पीठ के पीछे से दिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड में पीठ के पीछे से दिए जाएंगे, तो फिर उसकी बर्बादी होगी और वो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, वो इंसान जिसका नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया गया, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, उससे आसान हिसाब लिया जाएगा, मैंने बता दिया आसान हिसाब क्या है। وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, जैसे ही नामे आमाल दाहिने हाथ में मिल गया वो जाएगा अपना दफ्तर लेकर अपने घर वालों के पास खुश खुश खुश, क्यों पता चल राइट हैंड में मिलने का मतलब क्या है, जन्नत, उसकी खुशी सुरूर बहुत होगा। وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا, अल्लाह फरमाता है सेकंड टाइप ऑफ पीपल, वो लोग दूसरी किस्म जिनको उनका नामे आमाल पीठ के पीछे, ये क्या है, जिल्लत है, जिल्लत। आपको मालूम है ना हथकड़ी लगाते हैं तो पीछे लगाते, देखिए आप नीचे लिटा के या पकड़ के पीछे से, ये जिल्लत होती है, ये जिल्लत है दुनिया में, मिसाल इसकी आप देखें समझने के लिए। अच्छा, किसी को सर्टिफिकेट देना है, शहादा देना है, या टॉप उसने किया है कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो क्या कैसे पीछे से देते हैं, बैठा सर ये लीजिए, मान लो दुआ से देते हैं, दुआ से लीजिए ये लीजिए, तो ये तकरीम है और ये जिल्लत है। जो हथकड़ी लगाते भी हैं पुलिस वाले तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो जिसको उसका नाम है आमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा, वो अम्मा मन उतिया किताब हो, वो अम्मा मन उतिया किताब हो और अबहरी दोबारा, जैसे ही पीठ के पीछे से मिला समझ जाएगा, वो हलाकत को पुकारेगा, मतलब मैं मर जाऊं, मैं हलाक हो जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, ये क्या हो गया, चीखेगा चिल्लाएगा। वयस्ला सईरा, दहकती हुई जहन्नम की आग में वो दाखिल होगा। दूसरी आयतों में भी इसका जिक्र मौजूद है, देखिए अल्लाह अकबर कितना प्यारा अल्लाह, तो सूरह हाक्का की आयतें, अल्लाह बहुत सारी आयतें हैं, मैं एक दो आयतें सिर्फ नोट किया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि कैसी कैसा आलम होगा उस वक्त। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह मुझे और आपको दाहिने हाथ में नामे आमाल पाने वाला बनाए, आमीन या रब्बल। यौमइदिन तुरदून ला तखफा मिनकुम खाफिया, जिस दिन तुम पेश किए जाओगे कयामत के दिन,
कोई चीज तुम्हारी छुपी नहीं रहेगी, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। फअम्मा मन उतिया किताबहू बियमीनी, जिसका नाम है आमाल उसको दाहिने हाथ में मिलेगा, दिया जाएगा। फयकूलु हाउम क़रऊ किताबिया, तो वो कहेगा खुशी के मारे लो मेरा नाम आमाल पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरा हिसाब मुझे मिलेगा, मेरा ईमान था मेरा यकीन था। फहुवा फी ईशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया क़ुतूफुहा दानिया, तो वो खुश जिंदगी में होगा, ऐश इशरत की जिंदगी में होगा, ऊंची ऊंची जन्नतों में होगा, जिसके फल करीब होंगे उसके। कुलू व शरबू हनी अम्बिमा असलफ तुम फिलिया मिल खालिया, कहा जाएगा खाओ और पियो, जन्नत की नेमतों को खाओ और पियो, उस चीज के बदले जो तुमने दुनिया में दुनिया के दिनों में किया। वम्मा मन उतिया किताबहू बिशिमाले, वो इंसान जिसका नाम है आमाल उसके लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। फयकूल, वो क्या कहेगा, या लैतनी लम उता किताबिया, हाय काश के मेरा नाम आमाल मुझे नहीं मिलता, मुझे नहीं दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे खबर ही नहीं होती कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल कादिया, हाय ये तो फैसला कुन है। अल्लाह अकबर, दोनों लोग यमीन दाहिने हाथ वाले, दाहिने हाथ वाले को मिलेगा खुश हो गया, पास हो गए दुनिया में भाई, एसएससी पास हो, स्कूल पास हो, डिग्री मिल जाए तो आदमी बताता है सबको। लोग देखो तो जन्नत में कयामत के दिन नाम आमाल जब दाहिने हाथ में देगा, दिया जाएगा, खुशी से वो कहेगा हाउ मु करो, पढ़ो मेरा नाम आमाल, मुझे यकीन था दुनिया में कि मेरा नाम आमाल मुझे मिलेगा। इसे कहते उम्मीद के साथ इबादत करो, इबादत में उम्मीद भी होना, क्योंकि आपको यकीन हो कि आपको मिलेगा। रोजा रखिए उम्मीद कर, क्या है कि भाई रोजे कबूल होते कि नहीं होते कि नहीं, इबादत के अरकान है मोहब्बत उम्मीद डर, तो उम्मीद है ठीक है, तो वो ऐश शरत की जिंदगी में होगा ये। अच्छा एक और एक बात जो है, नाम आमाल इंसान का जो है ना दिखाया भी जाएगा, देखेगा आदमी बाकायदा। आप देखिए ये मुश्किल नहीं है आज के दौर में समझना, आप जो है पुरानी कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहें किसी की आलिम की कोई तकरीर जो दुनिया से चले गए, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया, कैसी उन्होंने तकरीर की, पुराने लोगों के जो है चीजें देख सकते हैं आप, आज रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अल्लाह तो हर चीज का खालिक है मालिक है सुभान अल्लाह, तो इंसान ने जो किया उसके सामने पेश होगा वो देखेगा, जिसे कोई मार रहा किसी को मर्डर कर रहा था वो चाकू से जो मार रहा वो पूरी पिक्चर उसके सामने होगी, और इसकी दलीलें उन्होंने की बाकायदा दिखाया जाएगा। वह इबाशिरो, खैर का काम या शर का काम दोनों भी दिखाए जाएंगे, अच्छा काम या बुरा काम। आप गए छुपके से किसी को नहीं पता, गरीब के घर गए, उसके घर में राशन डाला आपने, उसको भी नहीं मालूम आप कौन है, घर वालों को भी नहीं मालूम, आपको दिखाया जाएगा देखो आप गए थे उस गरीब के घर, गए थे राशन देकर आए आप, ये देखो अपना, वो देखेगा खुश हो जाएगा, देखे अल्लाह ने हर चीज की हिफाजत कर रखी। इंसान आधी रात को उठकर तहज्जुद पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, तौबा कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, तो उसकी वो तहज्जुद की नमाज दिखाई जाएगी उसको। इसी तरीके से शर के काम, चुपके से उठा रात में जाके शराब पी के आया, बुराई करके आया, वो भी दिखाया जाएगा उसको, छोटा अमल हो बड़ा अमल। अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी दलील है, फमन यअमल मिसकला दर्रतिन, आपको मुझको सबको याद है सूरह ज़लज़ला, फमन यअमल मिसकला दर्रतिन खैरन यरा, वमन यअमल मिसकला दर्रतिन शर्रन यरा, जो दर्रे के बराबर अच्छा काम करेगा देखेगा है, यरा कब देखेगा, क़यामत देखेगा, जिसने दुनिया में दर्रे के बराबर काम किया अच्छा और बुरा, खैर या वमन यअमल मिसकला दर्रतिन शर्रन यरा, दोनों को देखेगा। चलिए इसके बाद अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की हदीस मैंने पढ़ी, उसका तर्जमा कर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला किसी मोमिन पर जुल्म नहीं करता है, मोमिन को उसकी नेकियों का बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी उसको बदला दिया जाएगा। जहां तक काफिर हैं उसने जो अच्छे काम किए उसका बदला उसको दुनिया में मिलेगा, जो वो खाएगा पिएगा नेमतों में रहेगा। जब आखिरत होगी कोई नेकी उसकी नहीं होगी तो जिसका उसको बदला मिले तो दोज़ख़ के आग में फेंक दिया जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है जिससे हमें इनके बारे में मालूम होता है, किनके बारे में, कुफार के बारे में मालूम होता है कि दुनिया ही उनके लिए जन्नत है, जैसे हदीसों में आया कि दुनिया ही उनकी जन्नत है, आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नाम आमाल का मसला था जो किताबी शक्ल में होगा और इंसान के सामने जो है आएगा और इंसान जो है उसको देखेगा और देखकर जो है दाहिने हाथ में मिले तो खुश हो जाएगा, बाएं हाथ में मिले तो वो अफसोस करेगा। अब इसके लिए जाहिर बात है
दाएं हाथ में नामे आमाल किसको दिया जाएगा? जन्नत वालों को। तो उसके लिए ज्यादा नेकियां करना बहुत जरूरी है। जो गुनाह ज्यादा करेंगे, जो जहन्नम में जाने वाले लोग, उनको पीठ के पीछे से या लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा और सहीफे उड़कर आएंगे। ठीक है, ये उड़कर आने की भी दलील हदीस में मौजूद है। बहरहाल तो ये जो है यहां तक हम मामले को रोकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, एक और एक अहम पॉइंट है जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो मीज़ान तराजू। क़यामत के दिन तराजू भी होगा जिसके दो पल्ले होंगे। कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया वल वज़्नु यौमैदिनिल हक, क़यामत के दिन आमाल का तोले जाना बरहक है। एक दूसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन जो तराजू होगा उसकी एक जबान होगी, दो पल्ले होंगे। जबान भी होगी उसकी, दो पल्ले, पल्ले समझते ना, एक में नेकियां तोली जाएंगी, एक में गुनाह। और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। मैं बेस बता दे रहा हूं ताकि आगे जो है हमारे वक्त में बरकत हो जाए इंशाल्लाह। तो उसमें क्या होगा, नेकियां, जितनी आपने नेकियां की हैं अल्लाह ताला उसको तोलेगा, हर चीज को, हर अमल को आपके तोला जाएगा। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज, रोजे, अच्छे काम, खैर के जितने काम आपने जो जबान से किए, दिल से किए, आपका डर, आपका खौफ अल्लाह की जात से, आपकी उम्मीद, सब अच्छे काम, रास्ते से तकलीफ चीज हटाया, हाथों से किसी की मदद किया, पैसा दिए, वो ये हर चीज नेकियों के पल्ले में रख दिया जाए, गुनाह गुनाह के पल्ले, ये भारी या ये भारी देखा जाए, या तो ये भारी होगा या तो ये भारी होगा, या तो दोनों लेवल होंगे, ये मिसाल है। ठीक है, मिसाल। अच्छा, नेकियां गुनाह मतलब 100 नेकियां 100 गुना। अच्छा, आपको याद है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। खान साहब आपको याद है नेकियां कितने की है, गुनाह कितने? नहीं याद रहते, नेकियां करते जाना, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि याद नहीं है कब कितने। अच्छा, गुना, अच्छा टोटल कितने हैं, किसके कोई हिसाब किताब है? मेरे ख्याल से दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी जिसने अपनी पूरी हमारा हिसाब कब से होगा पता है, बालिग होने मैंने बताया था, जब से हम बालिग हुए हैं, मिसाल 15 साल से बालिग हो गए, 40 साल की उम्र हो गई, तो 15 निकालो 40 में कितने जी, 25 साल में कितने नेकियां किए, कितने गुना किए, है कोई? क्या करना फिर, क्या करना? याद तो बिल्कुल नहीं है ना, याद कर सकते बैठ के, दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन याद नहीं आएगा, क्या करना फिर? दो काम नेकियां करते जाना, साथ में तौबा इस्तगफार करते जाना, और उसमें भी हुकूकुल्लाह, अगर हुकूकुल इबादत, फिर याद कर करके खान साहब को दसरिया दिया था, दिया नहीं दिया, खान साहब को बुरा बोला था, माफी मांगा, हामिद भाई को गाली दे दी थी, माफी मांगा नहीं मांगा, आयशा ने फातिमा को बुरा बोला था, ये सब क्लियर करना जो थोड़ी देर पहले आपने सुना था। जन्नत में जाने के लिए प्रिपरेशन है भाई, ये साथ ऐसे थोड़ी जन्नत मिलेगी, बहुत बड़ा मसला है उस दिन। लिहाजा इंसान जो है पूरी तवज्जो उस तरफ दे, दुनिया तो चलती है भाई, आटा है रोटी पकेगी, आटा नहीं है बाहर से इंडिया की रोटी लाएंगे खाएंगे, चलता रहता मसला, लेकिन आखिरत के मामले की तरफ तवज्जो देनी है बहुत ज्यादा, तो उसमें हम क्लियर हैं, एक दिन भी जहन्नम में न जाए। तो नेकियां ज्यादा होना जरूरी है, ये पल्ला भारी होना क्यों, नेकियों का पल्ला, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। जिसकी नेकियों का पल्ला भारी वो जन्नत में ऐश की जिंदगी में होगा, और जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया वो दहकती हुई आग में जाएगा, हामिया। आपको क्या पता हामिया क्या है, वो दहकती हुई आग। एक वो होंगे असहाबे आराम सब आ रहा है जिनकी नेकियां और गुनाह 100 100, उनका क्या होगा, बड़ी जबरदस्त आयत है वो। अच्छा, एक और एक पॉइंट है जो आएगा इंशाल्लाह अगले क्लास में, वो है हौज, हौज़े कौसर, उसके मुताबिक भी हौज होंगे, प्यारे नुसर अपनी उम्मत का इंतजार करेंगे, कुछ लोग आएंगे उनको धुतकार दिए जाएंगे, कुछ लोग धुतकारे नहीं दिए जाएंगे, खुश नसीब सादतमंद होंगे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हौस से पानी पिएंगे, और वो भी क्या मीठा पानी, एक मरतबा पियो तो जिंदगी में कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको हौसे कौसर, उसका नाम कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये अगले दर्स में आ रहा है इंशाल्लाह हौस के बारे में। ठीक है, तो सिलसिला ऐसे चलेगा, तो यहां तक इंशाल्लाह हम जन्नत तक रास्ता आपको बताएंगे, या सफर आपको आपका मतलब बताएंगे कि कैसे आप अपने सफर को कंप्लीट कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला मैं जो रास्ता बता रहा हूँ या सबसे पहले मुझे इसकी तौफीक दे कि अल्लाह मैं उस रास्ते पे चलूँ, और अल्लाह ताला मेरे मामले सब क्लियर हो जाएं दुनिया में, और अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला आपको जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, खासतौर से तलबा व तालिबात, अल्लाह ताला आप तमाम सामने सामियात को तौफीक दे कि हम आखिरत की फिक्र करें, खुद तैयारी कर लें, अपने बच्चों को भी तैयारी कराएं, और उस आयत पर अमल करें जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू तक्कर अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वअहलिकुम नारा वक़ूदुहा नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर बनेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे नेकियां ज्यादा करने की,
इखलास के साथ नबी रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए और सुबह शाम तौबा इस्तिगफार चलते फिरते तौबा इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमाएं। ऐ अल्लाह, जिनके हुकूक का मामला है वो तमाम हुकूक हम अदा कर दें, अमानतें अदा कर दें, हुकूक अदा कर दें और मामलात क्लियर कर दें, क्लियर कर लें अपने सारे मामलात, मजालिम या मामलात सब क्लियर हो जाए। अल्लाह आमीन। وآخر الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.